क्वेश्चन क्या है बेटा इसमें कि आपके इक्वल मैग्नीट्यूड के एन वेक्टर्स हैं, 1 2 3 अप टू एन वेक्टर्स हैं इस तरीके के, ठीक है। सबका मैग्नीट्यूड ई नॉट है और सबके बीच का एंगल फाई बनता जा रहा है, जैसे 1 और 2 के बीच का एंगल फाई है, 2nd और 3rd के बीच का एंगल फाई है, ठीक है। इस तरह से फाई एंगल से ये वेक्टर घूमते जा रहे हैं। आपको इन सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, तो हम ज्योमेट्रिकल मेथड यूज करेंगे, एकदम ज्योमेट्री से निकालेंगे। तो एन मोर देन 2 वेक्टर्स हैं तो पॉलीगन लॉ यूज करेंगे इसमें, कि अगर सारे वेक्टर्स एक ही पॉलीगन की कॉन्जिक्यूटिव साइड से रिप्रेजेंट हो रहे हो तो उनका जो लास्ट साइड होगी उस पॉलीगन की, वो रिजल्टेंट वेक्टर को एक्सप्रेस करेगी। इस तरह की बातें कर चुके हैं अपन। लास्ट साइड ऑफ द पॉलीगन विल रिप्रेजेंट रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये आपका एक ई नॉट है, इस तरह के वेक्टर ड्रॉ करते जाते हैं अपन, जिस तरह से बनते जा रहे हैं। फाई एंगल है तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा इससे फाई एंगल पर है, इस तरीके से आ जाएगा, इसको आप एक्सटेंड करते जाइए। फिर तीसरा है तो वो फिर ऐसे आगे आ जाएगा, इससे फाई एंगल पर आ जाएगा, इस तरह के वेक्टर बनते जाएंगे, ठीक है। और जो लास्ट रिजल्टेंट होगा वो लास्ट वेक्टर होगा, लास्ट साइड ऑफ द पॉलीगन, उससे हम पॉलीगन को क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से सारे जो साइड्स हैं पॉलीगन की वो इक्वल हैं, एंगल सबके ये फाई बनते जा रहे हैं क्योंकि सारे वेक्टर के बीच एक दूसरे से फाई एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से फाई पर ये वेक्टर्स घूमते जा रहे हैं। आपने रिजल्टेंट वेक्टर आपका ये वाला है ER वेक्टर, उसी पॉलीगन की लास्ट साइड से रिप्रेजेंट होने वाला। तो आपको इनका ये इस पॉलीगन में इसकी ये साइड ई नॉट है, ये वाली साइड ई नॉट है, ये साइड ई नॉट है, ये सब ई नॉट है। ये लेंथ आपको लास्ट में इन टर्म्स ऑफ ई नॉट एंड फाई निकालनी है बेटा, ठीक है। ये लास्ट साइड ऑफ द पॉलीगन इन टर्म्स ऑफ ई नॉट एंड फाई हमको निकालनी है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे देखिए आप एक बार, मैं इस तरह से कंप्लीट कर दूं तो ये रेगुलर पॉलीगन बनता जा रहा है, ये सारी डिस्टेंसेस सेम होंगी, आर आर आर, ठीक है ना, कोई डिफरेंट होने का रीजन नहीं है, बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो आपको ये आर लेंथ निकालनी है, फिर उससे आप ये भी आर होंगी सारी, उससे फाइनली आप ये लेंथ निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आर इन टर्म्स ऑफ ई नॉट लाना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये लेंथ पता है सेंटर को, वो बोल देते हैं, इसको ए बी बोल देते हैं। ओ ए इक्वल टू ओ बी ए आर है, तो आपको आर को, स्मॉल आर को इन टर्म्स ऑफ ई नॉट लाने के लिए ये एंगल पता होना चाहिए, ये एंगल कितना होगा, ठीक है। तो अभी इस एंगल को मैं थीटा बोल देता हूँ, अभी इस एंगल को मैं थीटा बोल देता हूँ, क्यों। तो आप क्या इस थीटा को इन टर्म्स ऑफ फाई लिख सकते हैं क्या बेटा, क्या हम थीटा को इन टर्म्स ऑफ फाई लिख सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए देखो क्या करता हूँ मैं, ये दोनों साइड बराबर है आपकी, तो आपका ये एंगल अल्फा हो जाएगा, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, ये दोनों एंगल अल्फा है आपके, अल्फा मान लिया मैंने। फिर ये आइडेंटिकल है तो ये सब रेगुलर पॉलीगन होने की वजह से रैंक सारे एंगल्स बराबर होंगे, तो ये वाला भी अल्फा हो जाएगा, ठीक है। ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये वाला भी अल्फा, ये वाला भी अल्फा, ये वाला भी अल्फा, ये भी अल्फा, सब इस तरह से चलेंगे रेगुलर पॉलीगन बनने की वजह से, क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड सबके सेम है, एंगल भी सेम घूमता जा रहा है, ठीक है। अब क्या हम थीटा को इन टर्म्स ऑफ फाई निकाल सकते हैं क्या, क्योंकि थीटा अगर मेरे पास आ गया तो सिचुएशन आसान हो जाएगी काफी, क्योंकि फिर ये जो ट्राइंगल है आपका ओ ए बी ट्राइंगल, अगर ये एंगल थीटा आ गया आपका तो ये दोनों साइड बराबर है बेटा इसके, आप क्या करेंगे इससे परपेंडिकुलर डाल देंगे इस पर, ठीक है ना। ओ से आप ए बी लाइन पर क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर डाल देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा बाई टू हो जाएगा, और ये आर लेंथ है आपकी दोनों, तो इस वाली लेंथ को आप लिख पाएंगे ना इस राइट एंगल ट्राइंगल से, ये क्या हो जाएगा, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल से सामने वाली साइड कितनी हो जाएगी, आर साइन थीटा बाई टू। हाँ सबको आ रहा है, ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, आर साइन थीटा बाई टू हो जाएगी, ठीक है। तो आपके ए बी की जो लेंथ है वो किसके बराबर है, ई नॉट के बराबर है, तो आप ई नॉट को 2R sin θ/2 लिख देंगे, बट उसके पहले आपको थीटा इन टर्म्स ऑफ फाई लाना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आपका ये एंगल पाई के बराबर होगा पूरा,
ये पूरा एंगल आपका पाई के बराबर होगा, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 2 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू पाई लिख देंगे, ठीक है। और ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी से आप क्या बोल सकते हैं, θ+2 अल्फा इक्वल टू पाई। देख लीजिए दो इक्वेशन है, तो आप कैसे भी समझ लीजिए इन दोनों इक्वेशन से थीटा इन टर्म्स ऑफ फाई बहुत इजीली रिलेट हो सकता है। 2 अल्फा की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दीजिए, कैसे भी कर लें दोनों इक्वेशन आपको यही बता रही हैं थीटा इक्वल टू फाई, थीटा की वैल्यू फाई के बराबर हो। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, राइट एंगल, ये पूरा 180 सम होगा, एक ही लाइन पे एंगल है, ये आपके ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम पाई के बराबर होता है, ठीक है। नहीं बेट, नहीं 560 क्यों आ जाएगा, नहीं आएगा चिन्ह में, नहीं आएगा, ध्यान से सुनिए, ये थीटा इक्वल टू फाई हो गया आपका, ठीक है। तो आप इसमें ई नॉट की वैल्यू लिख सकते हैं, वही जैसे बता रहा था मैं, ए बी की लेंथ ई नॉट के बराबर है, क्योंकि मैग्नीट्यूड, ये जो लेंथ है इन सारे पॉलीगन की साइड्स, ये वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रही है, तो ई नॉट कितना आ जाएगा, 2R sin θ/2, ये निकाल लिया आपने इस ट्राइंगल से, तो थीटा की जगह फाइव, थीटा इक्वल टू फाइव रख दीजिए, 2R sin φ/2। तो यहाँ से आपकी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर आ जाएगा आपका ई नॉट अपॉन 2 sin φ/2, इस तरह से आ गया, ये आर आ गया। अब ये आर आ गया, तो आप इस वाले ट्राइंगल में चलिए, इसको ओ ए सी नाम दे देते हैं, लास्ट ट्राइंगल जो बन रहा है, ये जो आपका ट्राइंगल बन रहा है लास्ट ट्राइंगल ओ ए सी, थैंक यू। तो आपका इस ओ ए सी में ये वाला एंगल कितना होगा, ये ध्यान से देखिए, देखो थीटा फाई के बराबर आ चुका अपना, ये फाई होगा, फिर दूसरा वेक्टर आया ये भी फाई हो गया, तो ये एंगल 2φ हो गया, तीसरा वेक्टर आया ये वाला एंगल भी फाई हो गया, तो तीसरे वेक्टर की वजह से ये वाला एंगल कहाँ तक पहुंच गया, 5 + 5 + 5, 3φ तक पहुंच गया, ठीक है ना, ये वाला एंगल 3φ तक पहुंच गया। तो इस तरह एन वेक्टर बनेंगे, तो ये पूरा एंगल यहाँ से शुरू करके कहाँ तक पहुंच जाएगा, N φ तक पहुंच जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, COA जो एंगल है 2π - N φ पहुंच जाएगा, पूरा एंगल सर्कल पे कितना बनेगा, 2π का बनेगा। तो ये बचा हुआ लास्ट का जो एंगल है ये कितना पहुंच जाएगा, 2π - N φ पहुंच जाएगा। तो फिर वही, ये आपका आर के बराबर है, इससे आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए इस पर, ठीक है, इस पर परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए सी आपका आंसर है बेटा रिजल्टेंट का, ई आर, ठीक है ना, ए सी आपका आंसर है, ए सी क्या आ जाएगा आपका, देख लीजिए, ए सी इक्वल्स टू ई आर इक्वल टू, वही आप वैसे लिख दें इसको, 2R sin ½ of this angle, कितना आ जाएगा, 2R sin ½ of this angle का मतलब है 2π - N φ का हाफ, 2π - N φ का हाफ कितना आ रहा है, ये देखिए आप, 2R sin π/2 - N φ/2, सॉरी π - N φ/2। तो sin π - θ कितना होता है, sin π - θ कितना होता है, जल्दी बताइए थोड़ा। sin θ ही होता है। तो आपका ए सी या ई आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2R की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए, तो आप देखो कितना आ गया, E₀ sin N φ/2 / sin φ/2 आ गया, ये आपका ई आर आ जाएगा, sin N φ₀/2 / sin φ/2, ये आपका फाइनल आंसर होगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड।